अपने कार्यकाल के अंतिम दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कुछ ही देर के लिए अपने कार्यालय में बैठे। परंपरा के मुताबिक सीजेआई गोगोई अपने उत्तराधिकारी जस्टिस एस ए बोबडे के साथ कोर्ट रूम में बैठे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में 10 मुकदमों में नोटिस जारी किया। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल का अंतिम दिन है, लेकिन इस वक्त वीकेंड पड़ रहा है। चीफ जस्टिस गोगोई से इस दौरान कुछ पत्रकारों ने इंटरव्यू की अपील की, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित फेयरवेल फंक्शन में भी सीजेआई संबोधन नहीं देंगे। कैसा रहा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल का अंतिम दिन? कार्यकाल के अंतिम दिन सीजेआई रंजन गोगोई सिर्फ 3 मिनट के लिए अपनी कोर्ट में बैठे। परंपरा के मुताबिक वो अपने उत्तराधिकारी जस्टिस बोबडे के साथ अपने कोर्ट रूम में बैठे। जब चीफ जस्टिस गोगोई 10:30 बजे कोर्ट रूम पहुंचे तो कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था। 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस बोबडे की बेंच ने कार्य सूची में शामिल 10 मुकदमों में नोटिस जारी किया। इस प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश खन्ना ने सभी की तरफ से रंजन गोगोई को धन्यवाद किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान जस्टिस गोगोई ने भी सभी का शुक्रिया किया, कक्ष में मौजूद सभी लोगों से हाथ जोड़कर अलविदा किया। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे चीफ जस्टिस गोगोई राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। जब जस्टिस गोगोई ने बतौर सीजेआई पदभार संभाला था तब भी वो राजघाट गए थे। शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई देश के सभी हाई कोर्ट्स के 650 जजों और 15,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कई बड़े मामलों में फैसला सुनाया है, जिनमें अयोध्या केस, कर्नाटक विधायक केस, सबरीमाला केस, राफेल विमान सौदे पर पूर्ण विचार याचिका, राहुल गांधी पर अवमानना केस आदि का निपटारा किया गया। चीफ जस्टिस गोगोई अगुवाई वाली बेंच ने सबरीमाला विवाद को 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया है।